डिंडोरी के दाड़ बेचिया गांव में सीसी सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा, जहां गुणवत्ताहीन काम किया जाता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने इंजीनियर से की, लेकिन इसके बाद भी सड़क का निर्माण पूरा करा दिया गया। वहीं माप के आधार पर सड़क की ऊंचाई 9 इंच होना था, जो महज 2 इंच पर ही सिमट कर रह गई। बता दें कि रोड के साथ नालियां भी बनाई जानी थी, लेकिन ठेकेदार, सरपंच और सचिव ने सभी निर्माण कार्य के पैसों का गबन कर लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच सचिव ने पीएम आवास के तहत आने वाली राशि से भी अपने जेबी भरते हैं, जिससे ग्रामीण झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। शौचालय निर्माण में भी जनप्रतिनिधियों ने सरकार को लाखों का चूना लगाया। ये आवास आ गया था, घर तोड़वा दिए हैं, आवास के नाम से 10,000 पैसे दे दिए हैं। और पैसे किसको दिए हैं आप? सरपंच सचिव, सहायक सचिव ऐसे बोले हैं कि आपका आवास आ गए थे, और ये जरा को दे दिए हैं, ऐसा लगा था। बैसाखू कौन है? यही हितग्राज। और बताए। हाँ तो सर जी, बात बैसाखू का है, बैसाखू ग्राम डांडविछा की है। तो उनका आवास आया है, तो सहायक सचिव, सरपंच वगैरह क्या कहते हैं कि आवास आएगा बैसाखू का, तो आवास आया है क्या कि सब बोले, तो कहने कि मतलब घर तोड़ दो तो नया आवास बन जाएगा। तो घर पैसा आवास आया है क्या कि पैसा ईंटा ईंटा सब कुछ पार लिए तो आवास ही नहीं आया। बात यह है तो तिरपाल के लिए 10,000 रुपये सरपंच दिए कि इस वर्ष जैसे भी काट लो तो अगले माह तुम्हारा आवास आ जाएगा। तो पता चले अभी तक नहीं आया, 2 साल हो गए। तो सरपंच सचिव से कुछ बात किया उन्होंने? सरपंच सचिव से बात किया तो कहना कि अभी आएगा क्या, खिटार रहा है। और क्या, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए ये पीछे वाले घर में रह रहे हैं, जैसे भी 4 बच्चे हैं उसको काट रहे हैं। और क्या, गाय भैंस रह रहा था पहले, तो अब क्या करे, घर टूटने की वजह से उस वही रह रहा है, गाय बच्चे अब बस तिरपाल में वही काम चला रहा है। और क्या, किसी अधिकारी के पास कभी गए? नहीं, सरपंच सचिव खुद बोल दिया था ना, किसी मत जाओ, हम खुद कर देंगे, ऐसे टाइप में।